वाइटिंग एंटरटेनमेंट की जानी अनजानी श्रृंखला में आपका स्वागत है। आज बातें एक संगीतकार और उनकी संगीत यात्रा की। 1972 में कमाल अमरोही निर्देशित एक फिल्म प्रदर्शित हुई पाकीज़ा, एक बेहतरीन कहानी, ठहरे हुए संवाद, कर्णप्रिय गीत और लाजवाब अभिनय, इन सभी महत्वपूर्ण पक्षों में फिल्म का एक और पक्ष था जिसके बिना फिल्म की कहानी अधूरी थी, और वो था फिल्म का संगीत। यदि ये कहा जाए कि गुलाम मोहम्मद के बगैर अधूरी थी पाकीज़ा, तो ये गलत न होगा। गुलाम मोहम्मद, जी हाँ, फिल्म पाकीज़ा के संगीत का। ढलती हुई शाम और रात के सन्नाटे में फिल्म का संगीत आज भी दिल को सुकून और एक नवीन ताजगी का एहसास कराते हैं। ठारे रहियो, चलते चलते मुझे कोई मिल गया था, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, चलो दिलदार चलो, चांद के पार चलो, मौसम में आशिकाना, ये सभी गीत गुलाम मोहम्मद साहब के उत्कृष्ट संगीत की ही देन है। गुलाम मोहम्मद साहब का जन्म राजस्थान बीकानेर के नाल गांव में एक संगीतमय परिवार में हुआ था। उनके पिता नबी बख्श एक कुशल तबला वादक थे और अल्बर्ट थिएटर कंपनी में काम करते थे। गुलाम मोहम्मद के पिता कुशल तबला वादक जरूर थे, परंतु वे सभी प्रकार के वाद्य यंत्रों और उनकी धुनों से भली भांति परिचित भी थे। पिता जब भी घर पर तबला या कोई वाद्य बजाते, बालक गुलाम भी उनके साथ बैठकर उन सभी वाद्यों को ध्यानपूर्वक देखते और उनकी धुनों को सुनते। इतना ही नहीं, उनके पिता कंपनी के कार्य हेतु जब भी किसी कार्यक्रम प्रस्तुति के लिए जाते, बालक गुलाम भी अपने पिता के साथ वहां जाते। बाल्यकाल से उनकी संगीत में रुचि को देखकर पिता अचंभित तो हुए, लेकिन वे बेहद खुश हुए और उन्होंने अपने बेटे को स्वयं संगीत सिखाने का फैसला किया, ताकि बेटे को भी संगीत के अलग अलग सुरों का सही ज्ञान हो सके। इस प्रकार संगीत की प्रारंभिक शिक्षा गुलाम मोहम्मद ने अपने पिता से प्राप्त की। संगीतकार गुलाम मोहम्मद की संगीत यात्रा एक संगीतकार के रूप में नहीं, बल्कि एक बाल कलाकार के रूप में हुई। मात्र 25 रुपए मासिक वेतन पर उसी कंपनी के लिए उन्होंने सबसे पहले अभिनय किया जिसमें उनके पिता भी काम करते थे। अभिनय प्रतिभा से इस बाल कलाकार ने अपने अभिनय को इस अंदाज में पेश किया कि लोग आश्चर्यचकित रह गए और अल्प समय में ही वे बेहद लोकप्रिय हो गए। परंतु गुलाम मोहम्मद साहब इस कंपनी के साथ अधिक दिनों तक काम न कर सके। कंपनी की हालत धीरे धीरे खराब होती गई, तब पिता और पुत्र दोनों को कंपनी से अलग होना पड़ा। हालांकि गुलाम मोहम्मद साहब ने कुछ समय तक इस कंपनी के लिए नृत्य निर्देशन का काम भी संभाला था। संगीत में निपुण होने के बावजूद उन्हें कोई काम नहीं मिला। जीवन यापन के लिए वे इधर उधर भटकते रहे। लोगों से काम के लिए आग्रह किया, अनेक थिएटर ग्रुप से जुड़ने की कोशिश भी की, लेकिन सभी जगह उन्हें निराशा ही मिली। एक लंबे समय के बाद उन्हें एक कंपनी में ऑर्केस्ट्रा में काम मिला। यह कंपनी घूम घूम कर विभिन्न स्थानों पर जाकर अपना कार्यक्रम प्रस्तुत करती थी। कंपनी जहां भी जाती, गुलाम मोहम्मद भी उनके साथ वहां जाते। इस प्रकार कंपनी से जुड़कर गुलाम मोहम्मद को अनेक जगहों पर जाने और अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला। इधर गुलाम मोहम्मद साहब काम तो कर रहे थे, लेकिन वे अपने काम से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें महसूस हुआ कि जिस संगीत को उन्होंने बचपन से इतने स्नेह से सीखा, इस तरह तो उनका संगीत सिमट कर रह जाएगा और वो संगीत कभी भी जन जन तक नहीं पहुँच सकेगा जिसे वे पहुँचाना चाहते हैं। तब उन्होंने फैसला लिया बम्बई जाने का। साल 1924 में वे बम्बई आ गए। 8 साल के कठोर संघर्ष के बाद उन्हें 1932 में सरोज मूवी टोन प्रोडक्शन की फिल्म राजा भर्तृहरि में काम मिला एक तबला वादक की। तबले की थाप और गुलाम मोहम्मद साहब की उंगलियों का अद्भुत कमाल, लोगों ने जब सुना तो उनके काम को खूब सराहा और धीरे धीरे लोगों के बीच उनकी पहचान और लोकप्रियता बढ़ने लगी। यद्यपि मंजिल अभी दूर थी, परंतु उनकी संगीत यात्रा प्रारंभ हो चुकी थी। बम्बई में संगीतकार अनिल विश्वास और नौशाद के साथ काम करके उन्होंने फिल्म संगीत के बारे में बहुत कुछ जाना और सीखा भी। नौशाद साहब और गुलाम मोहम्मद साहब दोनों बहुत अच्छे मित्र भी थे। लगभग 12 सालों तक दोनों मित्रों का साथ रहा। नौशाद साहब की अनेक फिल्मों में गुलाम मोहम्मद ने उनके सहायक बनकर काम भी किया। बहुत कम संगीत प्रेमी जानते हैं कि नौशाद साहब के संगीत निर्देशन में तबला और ढोलक गुलाम मोहम्मद साहब ही बजाया करते थे। नौशाद साहब की अनेक फिल्मों में सहायक रूप से काम करने के बाद वे स्वतंत्र रूप से संगीतकार बने फिल्म टाइगर क्वीन से। साल था 1947। उसके बाद पारस, डोली, गृहस्थी, काजल, पगड़ी, पराया जैसी अनेक फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया। उनके संगीत की खास बात ये थी कि वे अलग अलग साजों का सुंदर इस्तेमाल करते थे। सारंगी, तबला, ढोलक, पखावज जैसे वाद्यों का सुंदर प्रयोग हमें उनके संगीत में सुनने को मिलता है। गुलाम मोहम्मद साहब ने अपने संगीत में एक ओर जहां विभिन्न वाद्यों का सुंदर प्रयोग किया, वहीं दूसरी ओर मटके को एक वाद्य के रूप में उसका खूबसूरत इस्तेमाल भी किया। फिल्म पारस का
दर्द की मारी दुनिया में मुस्सा भी कोई मजबूर न हो और फिल्म शायर का ये दुनिया है यहाँ दिल का लगाना जैसे गीतों में उनका ये अनोखा प्रयोग बेहद कामयाब हुआ। गुलाम मोहम्मद साहब ने जिन फिल्मों में संगीत दिया उनमें दिल की बस्ती, हंसते आंसू, शायर, मांग, परदेश, बिखरे मोती, नाजनीन, अंबर, शीशा, दिले नादान, हजार रातें, लैला मजनू, रेल का डिब्बा, मिर्जा गालिब, सितारा, कुंदन, पाक दामन और मालिक प्रमुख हैं। किस संगीत में कैसी धुन होनी चाहिए इस बात का गुलाम मोहम्मद साहब खास ख्याल रखते थे। हल्की फुल्की धुनों या मध्यम, उनका सही इस्तेमाल उन्होंने अपनी फिल्मों में किया। गुलाम मोहम्मद के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, तलत महमूद, शमशाद बेगम, सुरैया, सुधा मल्होत्रा, आशा भोसले, सुमन कल्याणपुर जैसे गायक गायिकाओं ने अनेक लोकप्रिय गीत गाए। गुलाम मोहम्मद साहब को साल 1954 की फिल्म मिर्जा गालिब में सर्वश्रेष्ठ संगीत के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया और साल 1972 की फिल्म पाकिजा में यादगार संगीत के लिए वे फिल्म फेयर अवार्ड के सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के लिए नॉमिनेट भी हुए। संगीतकार गुलाम मोहम्मद साहब को संगीत विरासत में मिली थी, इसलिए उन्होंने संगीत की बारीकियों को न केवल सीखा बल्कि संगीत की सर्वश्रेष्ठ धुनों को संगीत प्रेमियों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश भी की। अनगिनत लोकप्रिय गीतों को संगीतबद्ध करने वाले गुलाम मोहम्मद साहब को लोकप्रियता मिली फिल्म पाकिजा के संगीत के लिए, परंतु इस लोकप्रियता को देखने के लिए यह संगीतकार अपनी धुनों को अलविदा कह चुका था और वो दुखद दिन था 17 मार्च 1968। जानी अनजानी की श्रृंखला आपको कैसी लग रही है हमें जरूर बताइए, लाइक करके, शेयर करके और अपने कमेंट्स लिखकर। फ्री सब्सक्राइब करके आज ही वाइटिंग एंटरटेनमेंट चैनल से जुड़ जाइए। शुक्रिया।